तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन के बीच जो आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का पांचवा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, पहला मुकाबला तो दोस्तों श्रीलंका हार कर आ ही रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनका कॉन्फिडेंट थोड़ा लो होगा। और दूसरी तरफ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट के सारे मुकाबले जीती है और इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड भी है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, जो कि हम लोग अभी आगे जानेंगे। तो आप सभी को टीम बनाते समय कंफ्यूजन हो रही होगी, साथ में प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर, तो पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है 5 तारीख को खेला जाएगा दोस्तों, शनिचर का है मुकाबला। और टाइम की बात करें तो 3:30 बजे दोपहर में ये मुकाबला स्टार्ट होगा, ग्राउंड शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर अभी तक इस वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले हुए हैं और दोनों के दोनों मुकाबले दोस्तों लो स्कोरिंग मैच हुए हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं पहले इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है लेकिन वुमेन्स के लिए दोस्तों बड़ा ही ग्राउंड माना जाएगा। यहाँ पर टोटल 12 मुकाबले हुए हैं वुमेन्स के टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 5 बार। मतलब साफ है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का चांसेस ज्यादा है और इस वर्ल्ड कप में हम लोग को देखने को भी मिला। एवरेज स्कोर मात्र 119 रन का है क्योंकि वुमेन्स का मैच है, हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका वुमेन का ही है 251 रन का, लोएस्ट स्कोर श्रीलंका वुमेन का है 69 रन का। और जो 12 मुकाबले हुए हैं दोस्तों उसमें से 10 बार 150 के नीचे स्कोर हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बॉलर्स को इस ग्राउंड पर कितना मदद मिलने वाला है। और 150 और 70 के बीच में मात्र 2 बार स्कोर किया है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तो आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है, और अगर श्रीलंका वुमेन की टीम पहले बैटिंग करेगी तो थोड़ा सा लो स्कोर हो सकेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप के दोनों मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला जो मुकाबला खेला गया वो दोस्तों यहाँ पर जो खेला गया बांग्लादेश वुमेन और स्कॉटलैंड वुमेन के बीच, जिसमें दोस्तों बांग्लादेश वुमेन ने 16 रन से जीत दर्ज किया। और उसी दिन पाकिस्तान का भी एक मुकाबला था श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, और श्रीलंका तो अपना पिछला मुकाबला इसी ग्राउंड पर हार कर ही आ रही है और 31 रन से हारी थी दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ। तो पिछला दोनों मुकाबला जो इस ग्राउंड पर हुआ है पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, तो इस मुकाबले में भी आपको यही देखने को मिल सकता है। और एक मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिला और स्पिनर्स को 8 विकेट, और पाकिस्तान जिसमें जीता था उसमें फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर स्पिन बॉलर कितना ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपको केवल और केवल स्पिन बॉलर पर फोकस करना है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर दोस्तों फास्ट बॉलर को मात्र 9 विकेट मिली है इस वर्ल्ड कप में जो मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर, और स्पिनर्स को 22 विकेट मिली है। तो मतलब दुगना से भी ज्यादा यहाँ पर विकेट ले रहे हैं स्पिन बॉलर। तो यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर कौन कौन से लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 12 विकेट। सेकेंड इनिंग में 5 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 10 विकेट पिछले दो मुकाबले में। तो ये होगी दोस्तों हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो शुरू में ही मैंने आपको जैसा कि कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है उसमें ऑस्ट्रेलिया का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी है और यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। अभी तक दोस्तों श्रीलंका वुमेन की जो टीम है एक भी मुकाबला नहीं जीती है ऑस्ट्रेलिया वुमेन से, चाहे वो वर्ल्ड कप में हो चाहे बायलेटरल सीरीज में, टी20 में खाता ही नहीं खुला है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन का परफॉर्मेंस कितना तगड़ा रहने वाला है। रिसेंट फॉर्म भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन का बहुत अच्छा है, लगातार 5 मुकाबले जीते हैं। श्रीलंका वुमेन पिछला दोनों मुकाबले अपने टी20 की हार करा रहे हैं और पिछला मुकाबला था दोस्तों इसी ग्राउंड पर हारे थे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेइंग 11, जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजन आप सभी को हो रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को ओपनिंग करते हुए एलिसा हेली दिखेंगे जो कि विकेट कीपर और कप्तान है, इनके साथ ओपनिंग करते हुए बेथ मोने दिखेंगी। और इन दोनों का दोस्तों बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ हेड टू हेड में, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तीसरे नंबर पर एलिसा पेरी आएंगे, फिर गार्डनर, फिर यहाँ पर लिचफील्ड, फिर यहाँ पर तहिला मैग्रेथ, फिर जॉर्जिया वेरहम, एनाबेल सुतरलैंड, फिर सोफिया मोनेलिक्स, उसके बाद मेघन सट, और डार्सिया ब्राउन की जगह पर हो सके कोई और भी खेल जाए, लेकिन बैटिंग से तो बदलाव होने का चांसेस कम है। एक दो बॉलर यहाँ पर डार्सिया ब्राउन की जगह पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ज्यादा चांस इन्हीं का है। पावर प्ले में मेघन सट और डार्सिया ब्राउन बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में यहाँ पर एसली गार्डनर और एनाबेल सुतरलैंड। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर पूरी बैटिंग ऑर्डर और दोस्तों प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया वुमेन की। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेगी। तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेइंग 11 है, इन जो प्लेइंग 11 के रिसेंट फॉर्म कैसा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है पिछले T20 मुकाबले में। तो एलिसा हेली बेथ मोनी तो ओपनिंग करेंगे ही, इनका रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है जो कि अभी हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो एलिसा हेली अभी रिसेंट में वार्म अप मैच में 20 रन और 12 रन की पारी खेली, लेकिन वार्म अप मैच छोड़ दिया जाए तो उससे पहले इन्होंने 65 रन, 45 रन, 38 रन और 55 रन की एक मुकाबले में पारी खेली है। तो एलिसा हेली बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो आपको अपनी टीम में इनको रखना ही रखना है। उसके बाद बेथ मोनी को भी आपको अपनी टीम में रखना है, तो दोनों ओपनर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। बेथ मोनी पिछले मुकाबले में 8 रन, उससे पहले 50 रन, रिसेंट में 4-5 मुकाबले में फ्लॉप हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे पहले 85 रन, 66 रन, 74 रन, 55 रन की इन्होंने भी पारी खेली है। तो जब ये फॉर्म में आती हैं तो वन साइडेड मैच को जिताती हैं, और इन दोनों को मैं लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ। और ये दोनों परफॉर्मेंस अगर कर जाती हैं तब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर से एलिसा पेरी को भी आपको लेकर चलना है, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ आपको शानदार बॉलिंग कराते दिखेंगी। पिछले मुकाबले में 4 रन की पारी खेली, लेकिन विकेट मिला था वार्म अप मैच में। रिसेंट में देखा जाए तो 36 रन, 34 रन, 8 रन की विकेट, 29 रन, 35 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो टॉप के तीनों प्लेयर पर आपको फोकस करना है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर से आपको एशली गार्डनर पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये दोस्तों सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से। धमाकेदार दोस्तों ये बैटिंग भी करती हैं और बॉलिंग भी बहुत ही जबरदस्त कराती हैं। पिछले मुकाबले में 31 रन, उससे पहले 21 रन, 1 विकेट, 33 रन, 1 विकेट, 18 रन, 3 विकेट, 5 रन, 3 विकेट, 16 रन, 1 विकेट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हर मुकाबले में 2 से 3 विकेट ले रही हैं, साथ में 25-30 रन भी स्कोर कर रही हैं। तो कप्तान के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। तो टॉप के चारों खिलाड़ी को आपको लेना है, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन का रिकॉर्ड भी अच्छा है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, तो आपको इन्हीं खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों आप बात आ जाती है इनके लो ऑर्डर के खिलाड़ी, जैसे यहाँ पर फॉबेल लिचफील्ड की बात करें और यहाँ पर टाहिला मैग्रेट, तो इन दोनों पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है क्योंकि इनको उतना मौका मिलता भी नहीं है। और अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तभी दोस्तों आपको इन दोनों खिलाड़ी पर फोकस करना है, लिचफील्ड और मैग्रेथ पर, नहीं तो आप लोग इनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। अब नीचे से ऑलराउंडर्स की बात करें तो जॉर्जिया वरहम और एनेबल सुथरलैंड, ये जो ऑलराउंडर हैं इन दोनों को बहुत ही अंडररेट किया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जॉर्जिया वरहम पिछले मुकाबले में 7 रन की पारी खेली, उससे पहले 18 रन, 1 विकेट, फिर 26 रन, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट, 26 रन, 2 विकेट, 57 रन, 1 विकेट। मतलब जॉर्जिया वरहम कभी कभी बैटिंग में भी प्रमोट हो जाती हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो टॉप के चार खिलाड़ी को लेने के बाद डायरेक्ट आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। एनाबेल सुथरलैंड को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी 50-50 चांस है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा करते आती हैं, 38 रन, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन ज्यादातर ये बैटिंग नहीं कराती हैं। तो आपको ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे लेना है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। तो इनकी जगह पर आप लोग श्रीलंका के ऑलराउंडर्स पर फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के ऑलराउंडर्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती हैं, उधर से भी आपको बेहतरीन दिखेंगी। तो यहाँ पर एनेबल सुथरलैंड 50-50 चांस रहेंगी। अब इनके जो बॉलर्स हैं, बॉलर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली हैं सोफी मोनेलिक्स, जो कि पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिला लेकिन उससे पहले 2 विकेट, फिर लगातार हर मुकाबले में देख सकते हैं विकेट इनको मिलते आ रहा है, बीच में 3, 2 और 3 विकेट ली हैं। मेघन सर्ट का दोस्तों परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इनकी जगह पर आप लोग यहाँ पर डार्सिया ब्राउन को ले सकते हैं। तो डार्सिया ब्राउन पिछले दोनों मुकाबले में विकेट ली है। मेघन सर्ट का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, जो कि अभी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये तो हो गई पूरी रिसेंट फॉर्म, अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से खेलने का चांस है दोस्तों यहाँ पर एलन किंग और दोस्तों टाइला, इनमें से कोई एक खेल सकता है। दोनों का दोस्तों रिसेंट फॉर्म अच्छा है, वार्म अप मैच में देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी अब हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको दिखेगा भी एलिसा हेली बेथ मोनी का सबसे अच्छा है। 6-6 मुकाबले दोनों ने खेला है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ, और दोनों दोस्तों 250 के ऊपर स्कोर की हैं, और एवरेज देख सकते हैं एलिसा हेली का 69 का है, बेथ मोनी का 82 का है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब टॉप ऑर्डर के ओपनर्स ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 70 के ऊपर एवरेज है, तो बाकी नीचे का तो मौका मिलेगा नहीं, नीचे का ज्यादातर बैट्समैन को उतना अच्छा नहीं है।
तो दोनों ओपनर्स पर ही आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन आप लोग रिकॉर्ड के बेसिस पर चलिएगा तो एवरेज बहुत ही अच्छा है। एलिसा पेरी बैटिंग ज्यादा मिला नहीं है, 7 मुकाबले में 4 विकेट ली हैं श्रीलंका वोमेन के खिलाफ। एशली गार्डनर का 25 का एवरेज है 3 मुकाबले में, बाकी किसी का यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। वारहम का 4 मुकाबले में 5 विकेट, मेगन सर्ट का 7 मुकाबले में 10 विकेट और एनल किंग का यहाँ पर एलन किंग का दोस्तों 1 मुकाबले में विकेट नहीं मिला है। तो मेगन सर्ट पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो ये होगी दोस्तों हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया वोमेन की। दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेगी इस मुकाबले में यहाँ पर श्रीलंका वोमेन की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको यहाँ पर विस्मी गुरनाट ने ओपनिंग करते दिखेंगे चमीरा चमारी अथोपत्थु के साथ। तो दोस्तों चमारी अथोपत्थु बहुत ही बेस्ट रहेंगी इस मुकाबले के लिए, तो इन पर आपको फोकस करना है। हर्षिता महादेवी समर विक्रमा तीसरे नंबर पर आएंगी, फिर यहाँ पर कविसा धिलारी आएंगे, फिर अनुष्का संजीवनी, फिर यहाँ पर नीलकसी दे सिल्वा, उसके बाद हसनी परेरा, फिर यहाँ पर सुगंधिका कुमारी, फिर यहाँ पर प्रिया दर्शनी सानी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सचिन निसलना साला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रबोधिनी। तो इनका नाम थोड़ा सा दोस्तों अजीब है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों प्लेइंग 11 ये रहने वाली है, क्योंकि रिसेंट में अभी जो इंडिया के खिलाफ इनका सीरीज हुआ था इंडिया वोमेन के खिलाफ, उनमें भी दोस्तों प्लेइंग 11 लगभग यही था और पिछले मुकाबले में भी यही था, भले ही हारी हो लेकिन ज्यादा चेंजेस ये नहीं करती हैं। अभी एशिया कप में भी दोस्तों इन्होंने इंडिया वोमेन को हराया था इसी टीम के साथ। पावर प्ले में प्रबोधिनी और यहाँ पर सुगंधिका कुमारी बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में प्रबोधिनी और यहाँ पर सचिनी निशान सला ये आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों प्लेइंग 11 इनका बैटिंग ऑर्डर लगभग यही रहेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर में ज्यादातर प्लेयर इनके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। भी गुरनारत्ने की बात करें जो कि अथपत्थु के साथ ओपनिंग करेंगी, भी गुरनारत्ने का देखा जाए तो पिछले 5 मुकाबले से कुछ खास इनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं है। पिछले मुकाबले में 20 रन, उससे पहले 1 रन, 30 रन, 1 रन, 0 रन, 1 मुकाबले में 39 रन, फिर फ्लॉप हो गई थी, फिर 51 रन, फिर फ्लॉप हुई थी। 7-8 मुकाबले से पहले देखा जाए तो ठीक परफॉर्मेंस था, तो ये उतनी भरोसेमंद नहीं है, तो आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल अथपत्थु के ऊपर फोकस करना है टॉप ऑर्डर से, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। पिछले मुकाबले में बैटिंग से फ्लॉप हुई थी लेकिन बॉलिंग से 3 विकेट ली थी, फिर रिसेंट में 39 रन, फिर 70 रन, 2 विकेट, 15 रन, 1 विकेट, फिर 61 रन, 63 रन, जो कि बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस दर्शाता है। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर से आपको केवल इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। वी गुरनारत्ने को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एच महादेवी शर्मा और विक्रमा की बात करें तो ये इस इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों भले ही पिछले 2 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस खराब रहा हो 4 रन और पिछले मुकाबले में 7 रन, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 18 रन, 33 रन, 65 रन, 86 रन, 69 रन, ये जो 3 स्कोर किए हैं दोस्तों ये एशिया कप में किए हैं, और इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था। फाइनल में भी 65 रन की इन्होंने पारी खेली थी इंडिया के खिलाफ, तो बहुत ही अच्छा इनका रिकॉर्ड है। तो टॉप ऑर्डर से दोस्तों श्रीलंका वोमेन में यही दोनों खिलाड़ी हैं जो कि बैकबोन है, तो इन दोनों पर तो आपको फोकस करना है, जो कि ज्यादातर स्कोर आपको यही करके देंगे। फिर हसनी परेरा की बात करें तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, पिछले 10 मुकाबले में फ्लॉप रही है, तो इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। फिर यहाँ पर कविस्का धिलेरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है जब दोस्तों श्रीलंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे, तो अगर श्रीलंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे तब दोस्तों यहाँ पर कविस्का धिलेरी को आपको लेना है। पिछले मुकाबले में तो विकेट मिली थी लेकिन उससे पहले 51 रन, फिर 9 रन, फिर 30 रन, 2 विकेट, 17 रन, फिर 2 विकेट, तो अगर ये बैटिंग पहले करती हैं तब इम्पोर्टेंट रहेंगी, नहीं तो उतनी खास नहीं रहेंगी। फिर यहाँ पर नील कसी दे सिल्वा की बात करें तो इनका ही परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले 4-5 मुकाबले से फ्लॉप है, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस नहीं करना है। तो टॉप ऑर्डर से 2 खिलाड़ी को मैंने बता दिया, नीचे से कविस्का धिलेरी को आप लोग टॉस के हिसाब से ले सकते हैं अगर श्रीलंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ए संजीवनी और यहाँ पर एस निशन सला। तो ये दोस्तों जो खिलाड़ी हैं, ए संजीवनी पिछले कुछ मुकाबले से ठीक परफॉर्मेंस की हैं, 55 रन, 31 रन, 24 रन, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं। तो दोस्तों ये ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि दोस्तों बैटिंग ऑर्डर नीचे है, बॉलिंग कराती नहीं है, तो अगर श्रीलंका वोमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको लेना है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा टारगेट ना देने पाए ऑस्ट्रेलिया वोमेन, हो भी सकता है क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तब इनको मौका ना मिले। वैसे भी दोस्तों परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, केवल बीच में 3 मुकाबले में परफॉर्मेंस ठीक दिखाई है, तो इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। निशान सलाह की बात करें तो पिछले 4-5 मुकाबले से विकेट नहीं मिला है, तो इन पर भी फोकस नहीं करना है। फिर यहाँ पर प्रिया दर्शनी सानी की बात करें
तो इनको भी पिछले दो मुकाबले से विकेट नहीं मिला है, तो इन पर भी फोकस नहीं करना है। सुगंधिका कुमारी और प्रबोधनी की बात करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले में इनको बहुत ही शानदार तीन तीन विकेट मिला है दोनों खिलाड़ियों को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, खास करके श्रीलंका वुमेन की तरफ से, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो टॉप के दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी पर फोकस करना है, अतु पत्थु और एच महादेवी शरण विक्रमा। उसके बाद यहाँ पर कविस्का धिलेरी को आप लोग ले सकते हैं, टॉस के हिसाब से पहले बैटिंग करेंगी तो थोड़ी इंपॉर्टेंट और रहेंगी। उसके बाद सुगंधिका कुमारी और यू प्रबोधनी, ये दोनों पर आपको फोकस करना है। ये जो पांच खिलाड़ी मैंने बताया 70% चांस है कि यही परफॉर्मेंस करेंगी, बाकी का परफॉर्मेंस कुछ खास दिख नहीं रहा है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके रिसेंट, इनके जो खिलाड़ी वो बेंच पर बैठे हैं इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस किसी का तो मुझे लग नहीं रहा, अगर कोई भी खेलेंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही टेलीग्राम पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो सारे खिलाड़ी खेले हैं हेड टू हेड में लेकिन बहुत ही खराब है। वी करुण रत्ने का मात्र 24 का एवरेज है, अतुपत्तु का तो अच्छा रहेगा ही क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी, सात मुकाबले में 44 का एवरेज है, चार विकेट ली हैं। एच महादेवी समर विक्रमा का 19 का है, कविस्का धिलेरी का एक भी नहीं है, निकल दी सिल्वा की बात करें 11 का है, संजीवनी का 10 का है और हसनी परेरा का एक का ही एवरेज है। बॉलिंग से दोस्तों देख सकते हैं कि सुगंधिका कुमारी को विकेट ही नहीं मिला है पांच मुकाबले में, प्रदर्शनी को भी विकेट नहीं मिला है और प्रबोधनी का 6 मुकाबले में 3 विकेट मिला है। तो इनके बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत खराब है, केवल एक ही यहाँ पर खिलाड़ी दिख रही हैं अतु पत्थु, ये तो दोस्तों एक्सपीरियंस ज्यादा है इसलिए, लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो कुछ खिलाड़ी जो मैंने बताया उन पर फोकस करना है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे के सारे मैचेस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जो हमारी कप्तान रहेंगी वो दोस्तों यहाँ पर अतु पत्थु रहेंगी, सिंपल सी बात है, और एशली गार्डनर को मैं वाइस कप्तान कर रहा हूँ। ये दोनों तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी, और अगर आप लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सा यूनिक करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिसा हेली और बेथ मोनी का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तो आंख बंद करके इनको दोनों को वाइस कैप्टन कर देना है। उसके बाद मैंने बैटिंग सेक्शन से एलिसा पेरी को लिया है, एच महादेवी समर विक्रमा को, इधर से दोस्तों कविसा धिलेरी को मैंने ले लिया है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो और भी बेहतर रहेंगी। जी और अहम गार्डनर को मैंने लिया है, इधर से एस कुमारी प्रबोधनी और मेगन सत को। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकता है, यहाँ पर मैंने ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से 6 खिलाड़ी को रखा है और श्रीलंका वुमेन की तरफ से 5 खिलाड़ी। बॉलिंग में दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा श्रीलंका वुमेन पर फोकस किया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन की जो टीम है उनकी रिसेंट में बॉलिंग में परफॉर्मेंस ज़्यादातर अच्छा नहीं है, वार्म अप मैच में भी। तो यहाँ पर मैं एस कुमारी नहीं तो प्रबोधनी की जगह पर एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी रख सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बॉलर, तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको हमारे चैनल और एनालिसिस वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।